नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे महिला साथी को सेड्यूस करने के तरीकों के बारे में। किसी भी लड़की को अपनी तरफ आकर्षित करना एक कला की तरह होता है दोस्तों। वैसे भी अधिकांश लड़कियाँ खुद से अप्रोच नहीं करती हैं, लेकिन उनके दिल में रहता है कि कोई उनकी पसंद का लड़का उन्हें ज़रूर अप्रोच करे। कैसे करें लड़की को सेड्यूस? किसी भी लड़की को अपनी तरफ आकर्षित करना एक कला की तरह होता है दोस्तों। वैसे भी अधिकांश लड़कियां खुद से अप्रोच नहीं करती हैं, लेकिन उनके दिल में ये बात जरूर रहती है कि उनकी पसंद का लड़का उन्हें अप्रोच करे। तो इसके लिए आपको कुछ बातों की जानकारी होनी ज़रूरी हो जाती है दोस्तों। तो चलिए आज हम जानते हैं कि कौन कौन से ऐसी बातें होती हैं लड़कों में जिनसे आकर्षित होती हैं लड़कियाँ। जीवन में आकर्षण का सबसे पहले महत्व, यदि जीवन में आकर्षण न हो तो सेक्स लाइफ नीरस हो जाती है दोस्तों। लेकिन यदि आप कुछ उपायों को अपनाएं तो अपने महिला साथी को अपने प्रति वो आकर्षण पैदा कर सकते हैं अपने महिला साथी में या बनाए रख सकते हैं और अपने संभोग यानी कि सेक्स लाइफ को हमेशा रोमांच से सराबोर रख सकते हैं। कॉन्फिडेंस अर्थात आत्मविश्वास किसी भी मामले में एक बेहद ज़रूरी चीज़ होती है। तो जब कभी आप किसी पार्टी में उनसे मिलें तो पूरे आत्मविश्वास के साथ जाकर उनसे मिलें। ध्यान रहे कि खुद को थोड़ा रहस्यमयी बनाकर ही आप महिलाओं को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन किशोरों की तरह टेंशन पैदा ना करें, थोड़ा माइंड गेम भी खेलें। एक बात हमेशा याद रखें कि जो चीज़ जितनी मुश्किल से मिलती है वो उतनी ही कीमती लगने लगती है, इसीलिए हर बात के लिए अपनी तरफ से पहल करने से बचें। ज़रूरत से ज़्यादा अटेंशन भी ना दें, कभी कभी मैसेज का रिप्लाई करने में थोड़ा वक्त भी लगाएं, उसे अपनी कमी का एहसास कराएं, खास महसूस कराएं। जी हाँ दोस्तों, हर लड़की चाहती है कि उसे किसी राजकुमारी की तरह ट्रीट किया जाए, तो आप उसे खास महसूस कराकर उसका दिल जीत सकते हैं। जैसे उसके लिए फूलों का गुलदस्ता खरीदें, उसे मिलने से पहले मैसेज करें, तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ या काश कि तुम यहाँ होती, ताकि उसे लगे कि वह आपके ख्यालों में रहती हैं। गंध का उपयोग, खुशबू से उत्तेजना बढ़ती है दोस्तों। स्त्री व पुरुष दोनों के ही शरीर की गंध एक दूसरे के आकर्षण का केंद्र या कारण बनती है। स्त्री और पुरुष में अलग अलग प्रकार की गंध पाई जाती है दोस्तों, जिससे वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। लेकिन देह गंध को पसीने की गंध नहीं कहा जा सकता है। हाथों का खेल, जी हाँ दोस्तों, अपने हाथों को साथी से धीरे धीरे स्पर्श करें। इस प्रकार छूने पर साथी को आनंद की अनुभूति होती है। कभी कभी अपने उंगलियों से साथी के होंठों को धीमे से छुएं। आपको बता दें कि हाथों के स्पर्श मात्र से ही आप साथी को अपने पूरे इरादे जाहिर कर सकते हैं दोस्तों। आँखों का इस्तेमाल, आँखें हमारे शरीर का वह अंग हैं जो खामोश होते हुए भी बहुत कुछ कह जाते हैं। मसलन आँखों का भी अपना एक विशेष एक्सप्रेशन होता है, जिसकी मदद से आप अपने साथी को अपनी इच्छाओं से वाकिफ करा सकते हैं। बस इस बात को कहने के लिए आपको अपने जीवन साथी की आँखों में आँखें डालकर देखना चाहिए और फिर आखिर में उसकी आँखों में देखते हुए उसके करीब आएं। परफ्यूम, जी हाँ दोस्तों, परफ्यूम की गंध आकर्षण का एक बेहद ही शानदार तरीका होता है। जब भी आप साथी के पास रोमानी माहौल में जाएं, तो उससे पहले आप अपने साथी के पसंद का परफ्यूम इस्तेमाल करें। इससे आपकी साथी आपको अपने ज़्यादा करीब महसूस कर पाएंगी। तो देखा दोस्तों, आप सभी ने आज हम वो जानकारियाँ लेकर के उपस्थित हुए थे जो एक कपल यानी कि दाम्पत्य जीवन में बेहद ज़रूरी होता है, रोमांस दोस्तों और प्रेम दोस्तों, क्योंकि ये हमारे रिश्ते को बहुत प्रगाढ़ यानी कि गाढ़ा बनाता है, यानी कि गाढ़ा न कहें तो मजबूत बनाता है, हमारे रिश्ते को
रिश्ते को बेहद मजबूत बनाता है। और रिश्ता जितना मजबूत होता है दोस्तों, जितना विश्वासपूर्ण ढंग से होता है, उतना ही बेहतर होता है। तो इसलिए ये जानकारियाँ रखना बेहद ज़रूरी हो जाती हैं दोस्तों। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे दोस्तों कुछ एक ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।